आइए अब हम अपने योग सत्र का ईश्वर का नाम लेकर आरंभ करते हैं। मेरे साथ सारे लोग हाथ जोड़कर बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं मैट है, जमीन पर सीधे ना बैठे। मैट पर बैठे यानी जमीन और आपके बीच में कोई एक ऐसी परत हो जो आपकी ऊर्जाओं को अर्थ ना होने दे, आपके शरीर को ठंडी जमीन के स्पर्श से बचाए। और ऐसे किसी मैट पर बैठकर आइए, तीन बार ओम का उच्चारण करें। हम अपने तन और मन दोनों को एकाग्र करके इस वंदना करेंगे, ईश्वर को हम साक्षी रखेंगे, उन्हें याद करें ताकि वो हमें वो शक्ति दे कि इस शिविर को हम बहुत बहुत सफल बनाएं, वो हमें इतनी शक्ति दे कि ये शिविर देश और दुनिया के बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उनके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो, उनका जो उद्देश्य इस शिविर में जुड़ने का है वो पूरा हो। आप सब अपने उद्देश्य को मन में रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको सबल दें और आपके इस कार्य को जिसमें आपने अपने शरीर को फिट करने के लिए कदम बढ़ाया है सफल बनाएं। आइए लंबा गहरा सांस भरें और तीन बार उनका उच्चारण, दोनों हाथ जोड़ें। फिर गहरा सांस भरें। एक बार फिर गहरा सांस। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विदिदिशावहे। यानी हम साथ साथ चले, साथ बोले, साथ ज्ञान प्राप्त करें और हम सबल बने, ऐसी धारणा मन में रखते हुए ईश्वर को नमन करते हुए आइए आज इस योग शिविर का हम आरंभ करते हैं। धीरे से आंखें खोलें। आंखें खोलने के बाद अपने आप को प्रसन्नता की मुद्रा में लाने के लिए दोनों हाथ उठा के एक तेज ठाका, अगर कोई आसपास सो रहा हो तो आवाज कम निकालनी है, अगर कोई ना हो, आप छत पे हो, खुले में है, तो बड़ी मस्ती के साथ अपने तन और मन को पूरी तरह वाइब्रेट करते हुए एक बड़ी हंसी हंसेंगे। एक बार फिर, ए एक बार फिर, ए और इस हंसी के बाद पाएंगे कि आपकी बांछें खिल गई है, आपका मन, मस्तिष्क और शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत होने लगा है और आप में जोश की भावना जग गई है। ये आज का पहला प्रयोग है। रोज सुबह अगर आसपास लोग हों तो हाथ उठाकर बिना आवाज निकाले हंसना है। इतनी लंबी हंसी हंसनी है कि खांसी भी आ सकती है, कोई बात नहीं। और अगर लोग नहीं है, आपको शर्म नहीं लगती, आपको ऐसा लगता है कि हंसा जा सकता है, तो खूब तेज आवाज के साथ हंस सकते हैं। आसपास लोग बैठे हैं, उनको भी ये मुस्कुराहट का दान दे सकते हैं। पहला प्रयोग, पहली सीख आज की, आप सब रोज सुबह हंसेंगे। अब आज के दो मिनट की चर्चा में मैं ये बता दूं कि तीन दिन करने वाले क्या है। तीन दिन में इस शिविर में हम कॉमन फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। कॉमन फॉर्मेट का मतलब है ऐसा योग करेंगे जो सबको फायदा पहुंचाएगा।
चाहे आपको जो भी परेशानी हो, कोई बीमारी है, उसको ठीक करने मदद करेगा। और अगर आप सामान्यतया फिटनेस और हेल्थ बढ़ाने के लिए योग कर रहे हैं तो उसमें लाभ करेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आज के बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहां सर्कुलेट कर देंगे, उस पर आप अपनी समस्या और उद्देश्य लिखकर भेज देना, ताकि उस हिसाब से अगला फॉर्मेट डिसाइड किया जाए। 3 दिन के बाद जब ये सत्र लंबा चलेगा, तब हम आपको इंडिविजुअलाइज्ड योगा देंगे। अभी कॉमन योगा है, यूनिवर्सल योगा है, जो सबको फायदा करेगा। 3 दिन बाद इसको इंडिविजुअलाइज्ड करेंगे, यानी आपके अपनी जरूरत के हिसाब से योगा को डिसाइड करेंगे। आपका अपना फॉर्मेट अलग होगा, हम करेंगे यही, पर प्रैक्टिसेस कैसे करनी है वो हम अलग अलग इंडिविजुअल डिसाइड कर सकेंगे। तो आज जो कॉमन फॉर्मेट हम शुरू कर रहे हैं, उस कॉमन फॉर्मेट में अष्टांग योग को आगे लेकर चलेंगे। अष्टांग योग यानी योग एक विज्ञान है, ये महज एक्सरसाइज नहीं है, ये महज एक्सरसाइज नहीं है। योग एक विज्ञान है, आपको ठीक करने का, मजबूत करने का, मजबूत रखने का, अच्छी जिंदगी जीने का। ये एक धर्म है, धर्म का मतलब है कंडक्ट, बॉडी माइंड, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का कंडक्ट कैसा हो, दैट्स द रिलीजन। वो धर्म नहीं हमारा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, वो धर्म एक अलग धर्म है। एक धर्म का मतलब है एक पॉलिसी, एक कंडक्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे उसे हम फॉलो करें ताकि हमारा स्वास्थ्य फिट रहे और हम बड़ी अच्छी ऊर्जा के साथ, सबलता के साथ जीवन जी सके। इस अष्टांग योग में 3 दिन के कॉमन फॉर्मेट में, अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। 8 अंग में पहला है यम, यानी सामाजिक रूप से हमारे दायित्व तो क्या है, योग हमें वो सिखाता है। फिर दूसरा होता है नियम, यानी शरीर के लिए हमारे क्या नियम है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे अपने आप के लिए क्या ऑब्लिगेशन है वो सिखाता है। इन दोनों की बात मैं कल करूंगा आपके साथ, आज समय कम होगा। तीसरा होता है आसन, यम नियम आसन। आसन का मतलब इस बॉडी को कैसे करेक्ट करें। तो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और हम आसन को ऐसे करेंगे जिससे रोज सुबह उठकर हम वो काम करें तो हमारी बॉडी ठीक रह सकती है। तो मेरे साथ आप सब खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद अपने आप को आसन पर कहीं, यानी आसन एक बिछाने वाला, एक परफॉर्म करने वाला, दोनों काम हम करने वाले। तो आसन बिछाकर मेरी तरह कहीं खड़े हो जाएं और यहां हमें सबसे पहला काम क्या करना है, वो इस बॉडी की स्ट्रेच यानी खिंचाई करनी है। तो खिंचाई करने के लिए जहां खड़े हो वहां दोनों पैरों में बराबर का फासला, एड़ी और पंजे दोनों के बीच में बराबर का फासला, ये खिंचाई रोज सुबह बिस्तर से उतरने के बाद की जानी चाहिए, बिस्तर से उतरने के बाद। और नहीं तो योगाभ्यास में 2 बार जरूर खींचनी है। दोनों पैर बराबर, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर पर रखा, फिर इन हथेलियों का रुख आसमान की तरफ और फिर दोनों हाथ ऊपर खींचे। अब यहां सांस भरा, पेट अंदर लेते हुए पूरे फेफड़े भरे सांस से और दोनों हाथ ऊपर ले गए, एड़ी जमीन पर टिकी हुई है, खूब अच्छी तरह हाथों को खींचा और गर्दन को भी ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ऊपर निगाह, और इसको यहां रोकेंगे 10 सेकंड के लिए, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये वापस, ये हो गया 10। इसी को एक बार फिर रिपीट करना है, श्वास भरे ऊपर ले जाए, गर्दन ऊपर करें, पूरा खींच के रखें दोनों हाथ ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये वापस रिलैक्स। ये हुआ हमारा माउंटेन पोज, हमने पहाड़ की तरह सीधा किया अपने शरीर को। तो ये पोज था माउंटेन पोज पार्ट 1, ताड़ासन रोज सुबह करना है, इसका बी पार्ट। फिर वापस वही हाथ
इस बार हम क्या करेंगे, एड़ी उठा लेंगे और पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। एड़ी उठाई, पंजों के बल खड़े हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले गए और इस बार गर्दन ऊपर नहीं जाएगी। आप सामने किसी एक बिंदु पर देखते रहेंगे। बच्चों के लिए यानी 25 वर्ष तक की उम्र के बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये लंबाई बढ़ाने का भी एक विशेष तरीका है, विशेष आसन है। एड़ियों पर यानी एड़ियों को ऊपर उठाकर पंजों पर खड़े रहने का अभ्यास, निगाह सामने किसी एक बिंदु पर टिका दें। बिना निगाह टिकाए आप खड़े रहने में असमर्थ महसूस करेंगे। बिल्कुल सामने टिका दें निगाह, इसी अवस्था में खिंचे हुए शरीर को 10 तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस रिलैक्स, एड़िया जमीन पर ले आओ, गहरा सांस भरो, खाली करो और हाथ सिर पर रख ले। यही क्रिया दूसरी बार दोहरानी है। 2, आप सब अपने कैमरे खोल दें, आप अपने कैमरे खोल के रखें और सचिन जी इनके कैमरे देखना जहां भी आपको लगे, सब अपने कैमरे खोल के रखें। खींचे खींचे खींचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस रिलैक्स, दोनों पैरों में फासला, दोनों पैर खोल दें। अभी तक हमने ताड़ासन के 2 पोज किए, 1 पोज बॉडी को पूरा खींचा, गर्दन भी खींची, दूसरे पोज में एड़ियों को एंकल्स को खींचा तो पूरा शरीर खींच गया। अब ये जो साइड्स हैं हमारी, यहां इन साइड्स को स्ट्रेच देनी है। ये भी ताड़ासन में स्ट्रेच सीधी की, अब हम इसको ट्रांसवर्सल देंगे। तो कैसे करने वाले, वापस सिर पर हाथ रखें और इसको इंटरलॉक करें। अभी हमें क्या करना है, राइट साइड में एक हाथ यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचना है ऐसे, और पूरी बॉडी को ऐसे वो बनाना है, यानी हमें बनाना है धनुष ऐसे, बिल्कुल धनुष की तरह पूरी बॉडी को ऐसे खींचते हैं ऐसे, ताकि ये वाला पोर्शन है इस पर पूरा स्ट्रेच आए। करके रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस यही एक्सरसाइज रिवर्स डायरेक्शन में, सांस भरा, सांस के साथ हमेशा चलेंगे, खींच दें पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस रिलैक्स। तो ये हमने कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच किया, ये रोज सुबह सुबह हमें जरूर करना है। और सांस के साथ जब भी बॉडी स्ट्रेच होती हो तो हमें सांस भरना है, जब बॉडी वापस सिकुड़ती हो यानी अपनी पूर्व अवस्था में आती हो तो सांस छोड़ना है। आइए हल्की सी जॉगिंग, बॉडी को वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप दोनों को साथ साथ चलाएंगे। चलिए जी वार्म अप करें, वार्म अप करें, गहरे श्वास भरते जाओ, खाली करते जाओ, गहरे श्वास भरते जाओ, खाली करते जाओ, गहरे श्वास भरते जाओ, खाली करते जाओ, ऐसे वार्म अप करते रहे। आइए इस वार्म अप को हम एक संगीत की धुन के साथ पूरा करते हैं। करते जाओ, एक संगीत की धुन हम सुनेंगे और उससे हम आगे बढ़ेंगे वार्म अप की अवस्था में। जी आप अपना माइक बंद करके रख सकते हैं। चलिए आपको आवाज आ रही है सचिन जी, आपको आवाज आ रही है? एकदम क्लियर आवाज आ रही है सर। चलिए तो हो जाए शुरू। मेरे साथ चलते जाइए। मैडम 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 रुपये
शिव शंभो भजे काशीनाथ शिव शंभो भजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे काशीनाथ शिव शंभो भजे 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 भोलेनाथ शिव शंभो भजे विश्राम विश्राम जहां खड़े हो वहीं खड़े होकर एक मिनट के लिए गहरे सांस भर के खाली करें, नाक से सांस भरें और मुंह से खाली करें, शरीर को स्थिर करें। वार्म अप को हम सेकंड स्टेज में ले जाने वाले हैं, यानी अब हम वार्म अप सेकंड स्टेज में लेके चलेंगे, जहां पर आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी है। उस पूरे प्रोसेस में
सांस को ज्यादा लेना है ज्यादा छोड़ना है, तो तैयार करो अपने शरीर को। फास्ट वार्म अप एक्सरसाइज के लिए, और उतनी करनी है जितनी आप कर सकते हैं। जिनको कमर दर्द घुटने का दर्द है वो बहुत स्लो करेंगे, जो सामान्य है बहुत अच्छी तरह करेंगे, पर जितनी भी करेंगे श्वास तेज लेकर आपको छोड़ने हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है वो बहुत तेज नहीं करेंगे, जिनको लो ब्लड प्रेशर का इश्यू है वो करें तेज, जो सामान्य है वो खूब अच्छी तरह कर सकते हैं। ये ऐसी कॉमन एक्सरसाइज है जो पूरी बॉडी में एनर्जी को एक्टिवेट करती है और आप वार्म अप हो जाते हो, एक्सरसाइजेस के लिए तैयार हो जाते हो। तो चलिए जल्दी से आप तैयार हो जाएं और हम फास्ट एक्सरसाइज के लिए यहां से अब शुरू कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो को देखकर आप मुझे फॉलो करते चलेंगे और संगीत की धुन सुनते चलेंगे। तो रेडी, दूसरे राउंड के लिए हम सब तैयार होते हैं। आप अपने कैमरे सारे ओपन करके रखें और चलिए जल्दी से सेकंड राउंड संगीत की धुन पर हम आगे बढ़ते हैं। शिव शंभो भजे शिव शंभो भजे, 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 भोलेनाथ शिव शंभो भजे, अश्विनाथ शिव शंभो भजे, डम 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 भजे। काशीनाथ शिव शंभो भजे।
शिव शंभो भजे। चलिए जी, जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे, जो पालथी मारकर क्रॉस लेग बैठ सकते हैं वो क्रॉस लेग बैठे। गहरा सांस नाक से भरे और मुंह से मुंह खोलकर हा की आवाज के साथ बाहर जाने दें। गहरा सांस नाक से भरा, ये क्रम तब तक चलने दो जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं हो जाता। गहरा सांस भरा, पूरा वार्म अप हुआ, मुझे पसीना आया। आप में से किसको आया माइक खोल के बता सकते हैं? किसको एनर्जी फील हुई, स्वेटिंग फील हुई? गहरा सांस नाक से भरो और मुंह से खाली करो। नाक से भरो, मुंह से खाली करो। नाक से भरो, मुंह से खाली करो। जी देखो कर देना गजानन जी, आपका माइक खुला है, कृपया बंद कर लें। गहरा श्वास नाक से भरा और मुंह से खाली किया। 10 गहरे श्वास भरें और खाली करें। आपने बॉडी को स्ट्रेच किया है। गहरे श्वास नाक से भरें, मुंह से खाली करें और वार्म अप किया है। शरीर के हर एक जोड़ पर काम हुआ है। हर अंग हिल रहा था, हर अंग गति में था, गतिमान था, मूवमेंट था। उस मूवमेंट से स्ट्रेच हुई है। आपने से किसी को थकान लग सकती है, ठीक है? आप एक आधा दिन थकान का अनुभव होगा, परेशान मत होना। शाम को कहीं थोड़ा बहुत पेन की फीलिंग हो तो आप हल्का गरम तेल, हल्का गरम गुनगुने से तेल की मसाज दे देना उस अंग को, फिट हो जाओगे। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमने किया वार्म अप, अब स्ट्रेच। तो स्ट्रेच कैसे करेंगे? हाथों की स्ट्रेच हमने कर दी, अब हमारे कंधों की स्ट्रेच है। दोनों हाथ आगे से जोड़े, कोहनी मुट्ठी दोनों इकट्ठे किए, कंधों को पूरी तरह स्ट्रेच देंगे फेफड़ों के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। दोनों कंधों को 360 डिग्री रोटेशन, 3, 4, 5, 6, 7, सांस भर के ऊपर जाएं, 8, 9, 10, फिर इसको उल्टी डायरेक्शन, 10 पीछे से ऊपर ले गए सांस भर के, आगे से सांस खाली करके नीचे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। कंधों को हमने 360 डिग्री पर एक्सरसाइज देके जमे हुए कंधों को ठीक करने की कोशिश की। यानी किसी के फ्रोजन शोल्डर्स हो, दिन में ऑफिस में काम ऐसे करते हो तो वो कंधे नीचे झुकने लगते हैं। तो हमें कंधों को हमेशा सुबह शाम या एक बार कम से कम दिन में हमें उसको रिवर्स एक्सरसाइज देनी चाहिए। तो ये हमने कंधों को एक्सरसाइज दी। अब कंधों की खिंचाई, अब बाएं हाथ की कलाई दाहिने हाथ से पकड़े और सिर के ऊपर से सिर को मजबूत रखते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचे कि गर्दन ना मुड़े, गर्दन ना मुड़े। इसको खींच के रोके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर अपोजिट डायरेक्शन। क्या करें, भगवान ने दो दो दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विश्राम, रिलैक्स। दोनों कोहनियों की एक्सरसाइज, 1, 2, 3, हथेलियों से कंधों को पीटने की कोशिश, 4, 5, 6, और ये वापस आए तो हाथ बिल्कुल नीचे जाएं ताकि कोहनी को पूरा 180 डिग्री पर आप कर सके, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब कलाइयों की एक्सरसाइज,
दोनों कलाइयों को 10 बार मोड़े, 3, 4, 5, 6, 7, हाथ सीधे रखे, 8, 9, 10, उल्टी दिशा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर उंगलियों की एक्सरसाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बार उठा अंदर, एक बार बाहर, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। ये हुई हमारी हाथों की एक्सरसाइज। अब हथेली को पीछे से आप पैटिंग करें, हथेलियों को पीछे से पैटिंग करें, पूरे हाथ को पैटिंग करें, ताकि आपके हाथ आज काम करने के लिए पूरे दिन मजबूती से तैयार हो जाएं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो। लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, वेन्स रुक रही है, पैरों की हाथों की वेन्स रुक रही है लोगों को, और उन वेन्स को एक्टिवेट करें, ये हमारे हाथ मजबूत हुए। अब बारी है हमारी गर्दन की, जो हमारी कम स्ट्रेच हुई आज के वार्म अप एक्सरसाइज में। तो गर्दन को कैसे करेंगे, सांस भरा, खाली किया, नीचे सांस खाली करते हुए थोड़ी कंठकूप से लगाई, निगाह सामने, आंखें खोल के रखी, फिर सांस भर के ऊपर, छत की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, फिर सांस खाली करके नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, बीच में। अब गर्दन को नीचे लाकर पूरा 360 डिग्री का कोण, सांस भरते हुए दाहिनी तरफ से पीछे, बाईं तरफ से आगे, सांस भरते हुए बाईं तरफ से पीछे, सांस खाली करते हुए आगे, सांस भरते हुए दाहिनी तरफ से पीछे, बाईं तरफ से आगे, बाईं तरफ से सांस भरते हुए पीछे, दाहिनी तरफ से सांस खाली करते हुए आगे और सीधे हो जाए। ये गर्दन की एक्सरसाइज। अभी आंखों की एक्सरसाइज, आंखों को खूब तेज झपके, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खूब खोलें बंद करें, आंखें खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खूब तेज पलक झपके, खोलें पलक झपके, खोलें पलक झपके, बंद करें, खोलें खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खूब तेज तेज आंखों को बंद करना है, खोलना है, खोलना है, बंद करना है, ताकि सारी मांसपेशियों में मूवमेंट आ जाए। जो मांसपेशियां दिन में नहीं चल पाती, उनको भी आप मजबूत करो, जीवंत करो, सजीव बनाओ, अच्छी बनाओ, आंखों की रोशनी तेज हो, आंखें मजबूती से अच्छी तरह काम करें, इसके लिए खूब तेज खोलो बंद करो, रिलैक्स। अब आंखों को 360 डिग्री घुमा दो। कैसे घुमाओगे, उंगली ले, उंगली को, ये जो आपका नेल पॉइंट है, इसको आंख फॉलो करती जाए और उंगली को नीचे ले जाओ। अब गर्दन नहीं मोड़नी, गर्दन नहीं घुमानी, सिर्फ आंखों की पुतली घूमे, उंगली को दाहिनी तरफ राइट साइड में ले जाओ और आंखें इसको फॉलो करें, सिर्फ आंखें, गर्दन नहीं। फिर इसको वहां से ऊपर ऊपर आंखों की पुतलियां इसको फॉलो करें, फिर इसको लेफ्ट साइड ले जाओ। पलक नहीं झपकना, कोशिश करो पलक ना झपकना पड़े, और फिर इसको नीचे, फिर इसको विपरीत दिशा में, बाईं तरफ से ऊपर, पूरा ऊपर बड़ा गोला, दाहिनी तरफ से नीचे, और फिर सीधे वापस। छोटी क्रिया बड़े लाभ, इसका लाभ बहुत बड़ा है। यह हुआ हमारा आज एक वार्म अप एक्सरसाइज हुई, बट अभी भी हमारी जो जरूरत है एक्सरसाइज की वो पूरी नहीं हुई। तो मेरे साथ 3 मिनट की एक और एक्सरसाइज के लिए आप फिर से रेडी होंगे और खड़े हो जाएंगे, 3 मिनट फिर एक और एक्सरसाइज, और वो 50 के राउंड्स हम करने वाले हैं। आइए सब खड़े हो। कार्डियक एक्सरसाइज यानी हृदय को खोलने वाली, रक्त संचार को पूरा करने वाली, बहुत अच्छी तरह ब्लड सर्कुलेशन हो और हमारे रक्त में जो जमावट है अंदर वो कैल्शियम निकल जाए, उसके लिए एक फास्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। आइए मेरे साथ सब करेंगे। जो कर सकते हैं वो करें, जिनको करने में तकलीफ है वो खड़े खड़े यानी पैर कम चलाएं और हाथ ज्यादा चलाएं। आइए 1, 2,
तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस करते जाओ। अच्छा, जिन लोगों को कूदने में दिक्कत है वो ऐसे करें, जो पैरों को नहीं कुदा सकते वो ऐसे करें, छ सात आठ नौ दस, और जो कर सकते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। रिलैक्स, एक राउंड में तीस। पैरों को झटके खूब झटके, गहरे सांस भरे खाली करें, पैर ढीला छोड़कर खूब झटके आगे, पैरों की थकान निकाले, पैरों को पीछे भी झटको, पैरों को कंप्लीट स्ट्रेच, झटके पांच पांच बार, अल्टरनेट फुट, पैरों को बाहर झटके, पूरी तरह किक फेंके, दो तीन ढीला छोड़ के चार पांच, दूसरा भी किक, दो तीन चार पांच, रिलैक्स। ये हमारे पैर मजबूत हुए बारी घुटने की, इसको थोड़ा मजबूत करें, इसको एक्सरसाइज दें, तीन चार पांच, इसको ज्यादा देने की जरूरत है, छह सात पूरा पीछे ले जाएं, आठ पूरा आगे लाएं, नौ दस, फिर इसको गोल गोल घुमा दें, एक दो तीन चार पांच, रिलैक्स, बैठ जाए। हमने की आज वार्म अप एक्सरसाइज, हमने की आज फास्ट फीट एक्सरसाइज। संगीत की धुन पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आज की दूसरी सीख ये है कि जब भी एक्सरसाइज करें तो मन बीच में आड़े आता है, मन कहता है चल बहुत हो गया, अब आज इतना ही काफी है, हो तो गया, थक गए, आपको नए नए बहाने देगा, और आपको जितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए उतनी नहीं करने देगा। मन हमेशा पूजा और एक्सरसाइज दो काम में आड़े आता है। अच्छे काम करने की जब जब आपकी चेष्टा होगी तब तब मन आड़े आएगा, और इस मन को काबू में रखना ही योग का उद्देश्य है, मन को काबू में रखने का। अब मन को काबू में रखने के लिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी कि शिविर है, शिविर में तो हम संगीत को उपयोग करेंगे ही करेंगे, पर आप जब जब एक्सरसाइज करेंगे तो दूसरी सीख ये है कि आप संगीत की धुन या तो खुली या कान में लगा सकते हो। जब मन संगीत में मस्त हो जाता है, मन संगीत में संलग्न हो जाता है, मन को संगीत अच्छा लगता है, मन खो जाता है संगीत में, फिर शरीर जब एक्सरसाइज करता रहता है तो मन उसे मना नहीं करता, वो कहता है आनंद आ रहा है करते जाओ। तो संगीत को साथ रखो, अच्छी सी मधुर धुन लगाकर, तेजी वाली धुन लगाओ, और वो आप अपनी मनपसंद लगा सकते हो, और खूब तेज तेज एक्सरसाइज, अभी धीरे धीरे चलना, एकदम से मत करना, दर्द पैदा हो जाएगा। सचिन जी आपका माइक खुला है, कृपया उसे बंद कर ले। आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ानी है, अभी धीरे धीरे, ठीक है। नहीं, सचिन गायकवाड़ जी का है, या जी। तो ये हमें संगीत के लिए चलना है आगे। आज हमने वार्म अप किया, उसकी झलक देखी, कल से इसको और तेज करेंगे। आइए, आठ अंग योग के, कल मैं नाम पूछूंगा आपसे, मैं एक बार नाम बता देता हूं, आप याद रख लेना,
इस 3 दिन के शिविर में हम 8 चीजों पर काम करने वाले हैं। पहला है यम, सामाजिक दायित्व। ये 5 होते हैं, यम 5 होते हैं। कौन कौन से 5 हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, सदा सच बोलो। अहिंसा, दूसरों पर हिंसा मत करो। अस्तेय, चोरी मत करो। अपरिग्रह, बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना, इसको बाद में समझेंगे, सिर्फ 5 नाम। और 5वां ब्रह्मचर्य, यानी आप अपनी शक्तियों से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, इसका अर्थ यहां ब्रह्मचर्य से है। तो ये 5 काम होते हैं सामाजिक दायित्व। योगी का पहला काम, यानी योगाभ्यास जब आप करना शुरू कर दोगे तो स्वतः ही ऑटोमेटिक अंदर से दूसरों का नुकसान करने की आपकी अगर कहीं कुछ स्थिति, मनोस्थिति है तो वो छूटती जाएगी। ज्यादा माल इकट्ठा नहीं करोगे, अहिंसा अपनाओगे, हिंसा नहीं करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलना सीख जाओगे। योगी का, योगाभ्यासी का पहला कार्य होता है और वो आप स्वतः अपने अंदर परिवर्तन देखोगे। तो 5 यम, 5 नियम योगाभ्यासी का। जो विज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं वो जब इस अभ्यास को शुरू करते हैं तो स्वतः ही 5 चीजों पर, 5 नियमों पर वो खरे उतरने शुरू हो जाते हैं। 5 है शौच, यानी शुद्ध रहते हैं, साफ रहते हैं। शौच, संतोष, यानी वो संतोषी होते हैं, जीवन में जो कुछ है उससे संतोष करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो और आप अपेक्षा आकांक्षाएं नहीं होती, कर सकते हो, पर जो है उसमें संतोष। सोच, संतोष, स्वाध्याय, आप अपने को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते चलो। तप, डेली आपको अभ्यास करना है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, जो कुछ है उसे ईश्वर को समर्पित करते चले। ये 2 सबसे पहले एक योगाभ्यासी के कर्तव्य हैं जिनको फॉलो करना है। यम 5, नियम 5, और तीसरा आज हमने अभ्यास किया। क्या किया हमने? वार्म अप किया, कुछ आसन किए। इन आसनों की संख्याओं को हम कल और बढ़ाने वाले हैं। अब चौथे स्तर पर जब आते हैं, आइए उस स्तर पर चलते हैं, प्राणायाम। आंतरिक शरीर को ठीक करने के लिए, ये हमने बाहर के शरीर को ठीक करने के लिए पहले समाज, फिर खुद, फिर शरीर, अब योग शरीर के परे जाता है, एक्सरसाइज शरीर तक रुक जाती है। तो जिम करना और एक्सरसाइज करने में और योग में क्या फर्क है कि जहां एक्सरसाइज रुक जाती है, योग वहां से आगे शुरू होता है, यानी असली काम अब शुरू होता है। शरीर पर हमने काम किया, अब हम अंदर काम करेंगे, अंदर की ऊर्जाओं पर, अंदर के आंतरिक शरीर पर, सूक्ष्म शरीर पर, ऊर्जा शरीर पर। तो वो कैसे होगा, आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम यहां से नाक से फेफड़ों को ठीक करते हैं। कैसे करोगे? दोनों हाथ ऐसे आगे ले लो और यहां से श्वास भरो, 1, श्वास खाली करो, नीचे, 2, वापस, 3, वापस। यहां शरीर से ये हाथ टकराना नहीं चाहिए, 4, फिर हाथ नीचे। जब हाथ नीचे आए तो प्रेशर से फेफड़ा खाली, और हाथ ऊपर जाए तो पूरा सांस भर जाए फेफड़े में, पेट अंदर की तरफ, सिर्फ फेफड़े में श्वास भरा हुआ, और फिर हाथ नीचे, श्वास पूरा खाली, 6, 7 करते जाओ, 8, 9, 10, विश्राम, रिलैक्स। फेफड़े हमने क्या किया, वेग से फेफड़ों में जमी हुई टॉक्सिन्स, जो कल की धूल हमारे फेफड़ों में जमी, उसको बाहर फेंका। अब ये धूल ऐसे एक साथ इस प्रकार, जरूरी नहीं कि निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको और कोशिश करके, बड़ा प्रेशर देके इस धूल को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, यानी फेफड़ों को ऐसे सिकोड़ेंगे। यूं कैसे करेंगे, ऐसे सिकोड़ा पूरा, दोनों हाथ क्रॉस किए, फेफड़ा पूरा सिकुड़ा, फिर श्वास भर के पूरा फेफड़ा, यानी हाथ खोले, फेफड़ा खोला, फिर सिकोड़ा, फिर खोला, फिर सिकोड़ा, फिर खोला, फिर सिकोड़ा, फिर खोला, फिर सिकोड़ा, फिर खोला, फिर सिकोड़ा, यानी एक बार बायां हाथ ऊपर, दूसरी बार बायां हाथ नीचे, ऐसे करके हम इसे क्रॉस, 8, 9,
दस रिलैक्स। फेफड़ों को ऐसे भींचा हमने, ऐसे खोला और भींचा हमने, अब फेफड़ों की बारी है इसको फास्ट करके और जितने टॉक्सिन्स हैं बाहर निकाल दें। दोनों मुट्ठी बांधी, कोहनिया ऊपर की, मुट्ठी नीचे, श्वास भरा, पूरा श्वास भरा और अब कोहनी नीचे, मुट्ठी ऊपर, श्वास खाली। फिर श्वास भरा, कोहनी ऊपर, मुट्ठी नीचे, फिर श्वास खाली किया, कोहनी नीचे, मुट्ठी ऊपर। इसी क्रिया को तेज करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे कोहनी ऊपर जाने दो, सांस पूरा भरने दो, पूरा बड़ा। जल्दी की आवश्यकता नहीं, आवेग से फेफड़ा साफ करना है। दोनों फेफड़ों को डिटॉक्स करना है, क्लींज करना, साफ करना है। जी, अपने माइक्स पर कृपया ध्यान रखें, आपके माइक दूसरों को प्रॉब्लम दे सकते हैं, यानी आपकी आवाज दूसरों तक पहुंचती है और वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनका अभ्यास डिस्टर्ब होता है, तो आप कोशिश करें अपने माइक को बंद रखें। करते जाओ ये क्रिया रोज 2 से 5 मिनट, और ये डेली सोप है, 5 मिनट के रास्ते से भारी है, ये डेली सोप है, यानी आप इसे रोज करेंगे, डेली करेंगे काम, 2 से 3 मिनट से 5 मिनट तक इस क्रिया को। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो स्लो करेंगे, जिनका ब्लड प्रेशर सामान्य है वो खूब तेजी से करें, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो भी इसको तेजी से करें। जिनके हृदय का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई हार्ट सर्जरी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुई है, तो इसको बहुत स्लो करना है उनको, ऐसे बहुत स्लो। पर अगर आप स्वस्थ हैं तो खूब जबरदस्त तरीके से करते जाएं। योग करने में सावधानी बरतनी जरूरी है। आपको आज एक फोन नंबर मिलेगा, उस फोन नंबर पर आप अपने शारीरिक स्थिति जरूर लिखकर भेज दें उद्देश्य के साथ, ताकि यहां प्रिकॉशन ली जा सके कि आपको योग अभ्यास से कोई नुकसान ना पहुंचे, फायदा ही फायदा हो। करते जाओ रिलैक्स, गहरा श्वास भरा, खाली किया, रुक जाओ, गहरा श्वास भर के खाली करो, गहरा श्वास भर के खाली करें, गहरा श्वास भर के खाली करें, गहरा श्वास भर के खाली करें। और अब बारी हमारी पेट को ठीक करने की, दुनिया की सारी बीमारियों की जड़ ये पेट, और ये पेट ठीक तो बीमारियां, ज्यादातर बीमारियां ठीक। तो आइए इस पेट को ठीक करने की एक विस्तृत और बहुत बृहद क्रिया, जो हम में से अधिकतर लोग जानते हैं पर इसका क्रमबद्ध और तरीके से अभ्यास हमें अपने पेट को ठीक करने में बहुत मदद करता है और पेट ठीक हो जाता है। इसके लिए करना क्या है, नाक से सांस बाहर फेंकनी है, ऐसे हूं की आवाज निकालो मेरे साथ, नाक से सांस जब बाहर जा रही है झटके से तो पेट अंदर दबेगा, जिन्होंने आज पहली बार शुरू किया है वो धीरे धीरे पेट को सिकोड़ना शुरू करें, जो लोग रोज करते हैं वो अपनी कपालभाति का अभ्यास शुरू कर दें। इसमें नाक से सांस बाहर जाती है झटके से, पेट दबता है झटके से, नाभि पीछे की तरफ टक्कर मारती है झटके से, यानी नाभि आपकी ये नेबल पॉइंट रीढ़ की हड्डी की तरफ झटका मारे, यानी उधर टक्कर मारे, ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ऐसे
कोलाइड करे, स्पाइनल कोड को धक्का मारे, तो ये पेट यहां से नरम होगा, ये चर्बी यहां से पिघलेगी, ये फ्लैक्सी बनेगा ये पार्ट। करो रोज 15 मिनट की कपालभाति। आज शिविर में यानी इस कैंप में कपालभाति के लिए समय हमें कम मिलेगा, शिविरोपरांत हम इसमें खूब खूब करते जाएंगे, यानी 3 दिन के शिविर के बाद हम इसे यथा आवश्यकता हम इसे बढ़ाते चलेंगे। अब जब ये पेट अंदर जा रहा है, करते जाओ, प्लीज कीप डूइंग। जब ये पेट अंदर सिकुड़ रहा है तो नीचे से हमारे नीचे के अंग जहां से बॉडी की सफाई होती है, एनल मसल खिंचकर ऊपर आता है ऐसे। अब इसको महसूस करो करते करते कि आपका एनल मसल खिंचकर ऊपर आ रहा है। एनल मसल को खिंच के ऊपर आने दो, एनल मसल खिंचकर ऊपर आ रहा है। आप लोगों के कैमरे बंद हो गए, कैमरे कृपया खोल लें, कैमरे खोलें। यहां से जो आप कर रहे हो वो करते हुए दिखाई दे। जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, करते जाओ। दोनों हाथ यानी पहली उंगली अंगूठे के नीचे लगाकर आप घुटनों पर रखें, और जो लोग ऐसे मेरी तरह वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में करें। जिन लोगों को वज्रासन में बैठने में तकलीफ है वो क्रॉस लेग यानी पालथी मारकर बैठ सकते हैं। पालथी मारकर बैठे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह। कौन कौन कर रहे हैं? ईश्वर जी बहुत बढ़िया, क्या बात है ईश्वर जी। कपालभाति का स्ट्रोक तगड़ा, यानी पेट अंदर की तरफ पूरी तरह टक्कर मारे आपके हाथ, बहुत अच्छी तरह। जी ईश्वर जी स्पीड तेज है, स्पीड धीरे करें। अब हले जी यस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, सुनते जाओ सर, चेहरे पे मुस्कुराहट हो आपके पर, स्माइल सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ईश्वर जी क्या सुंदर स्माइल है आपकी, बहुत बढ़िया जी। संदीप मालिशे जी आप तेज कर रहे हैं सर, थोड़ा धीरे करो और रीढ़ की हड्डी को सीधी करो, स्पाइनल कोड को सीधी करें, हाथों को थोड़ा मोड़ लो कोहनी से, हाथ कोहनी से मोड़ के पीछे रख लो, घुटने की तरफ ले जाओ हाथों को, घुटने यानी पीछे ले जाओ थोड़े से, ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करो, हल्की सी झुकी हुई है संदीप जी आपकी। और अब इसको स्पीड को थोड़ा धीरे करके ना स्ट्रोक को रोको, अंदर ऐसे स्ट्रोक लगाया और हल्का सा रोका, फिर दूसरा स्ट्रोक। इसकी स्पीड स्लो हो बट वो जो अंदर सिकुड़न है अच्छी तरह सिकुड़े, पूरी तरह अच्छी तरह सिकुड़े। और नीलेश जी मुझे आप आधे ही दिखाई दे रहे हो, कैमरे को थोड़ा सा ऐसे करें ताकि आप, हाँ आपका पेट भी मुझे दिखाई दे, अभी पेट नहीं दिखाई दे रहा सर, आप कैमरे से थोड़े दूर बैठे हो। हाँ 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 जी जी जी, अब आए बिल्कुल, करो सर करो, सावश जी, करते जाओ, बहुत अच्छे। और कौन है मेरी बहन, रेखा बहन जी, रेखा बहन आपका पंखा दिखाई दे रहा है मुझे, आप इसे कैमरे को थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करो जी। और ये मेरी बहन है क्या, दिनेश देश पांडे जी की आईडी पर जो बहन बैठी है, मुस्कुरा दें, स्माइल ऑन योर फेस, अच्छा काम कर रहे हो आप अपने लिए, स्माइल बहन जी, स्माइल दिनेश देश पांडे जी वाली आईडी पे, बहुत अच्छे, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है आपको, स्माइल। और आपकी कपालभाति बहुत अच्छी है, मतलब आपका पेट खूब खूब सिकुड़ रहा है, करते जाओ ऐसे जी। नंदगावे जी बहुत अच्छे, आप बिल्कुल योगी जैसा प्रतीत होते हो, बहुत बढ़िया, करो सर। नंदगावे जी कंटिन्यू। बबन काले जी कपालभाति, बबन काले जी आपके रीढ़ की हड्डी भी थोड़ी सी और सीधे करो बबन जी, कोहनियों को मोड़ सकते हो हल्के से, कोहनियों को हल्की सी मोड़ के पीछे रख सकते हो बबन जी कोहनियों पर, हाँ ऐसे ऐसे, बहुत सुंदर। अब गर्दन को हल्की सी सीधी करके मुस्कराते हुए स्माइल, यस बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गजानन जी की मुस्कुराहट तो पहले ही तगड़ी है, बहुत अच्छे गजानन जी, बहुत अच्छे।
चलिए और किसकी बारी? ये छोटी सी गुड़िया, क्या नाम है? नाम नहीं लिखा यहां, क्या नाम है पुत्र जी? क्या नाम है बेटी? चलो नाम नहीं लिखा उन्होंने। चलो जी और कौन है? बाकी सब भी कैमरे खोल लें, कैमरे बहुत कम लोगों ने खोले, इसमें कोई शर्म नहीं है, आप दिखाई तो दें, मानचित्र पर तो आओ। चलिए जी, जिन लोगों ने कैमरे खोले हुए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। यस सृष्टि, अरे वाह, कितने साल की हो बेटा? माइक खोल लो। बहुत प्यारी मुस्कुराहट है बेटी, वाह ग्रेट, माइक खोलो बेटे जी। ऑल म्यूट है क्या? हाँ ये नंदगावे सर की जो भज्जी जी है मेरी। अच्छा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे, करते जाओ, करो कमाल बाती, बैठो सीधे। हेलो सर। जी जी हाँ जी हाँ जी, सत्य महेश सेठ, मुस्करा दे बड़े भाई, आप मुस्करा दो, कीप स्माइल ऑन योर फेस, अच्छा काम कर रहे हो, अपनी मशीन ठीक कर रहे हो। यस बहुत बढ़िया, मुस्कराता चेहरा आनंद देता है। अभी किसकी मुस्कुराहट गायब हुई? बबन काले जी आ जाओ कपाल भाती पर वापस, वापस 5 मिनट का पूरा सत्र रखेंगे। कपाल भाती जितनी करोगे अंदर का डाइजेशन सिस्टम उतना मजबूत, एक्सक्रीटरी सिस्टम उतना मजबूत, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उतना मजबूत, नर्वस सिस्टम उतना मजबूत। हे गॉड, हे ईश्वर, इतने सारे काम एक झटका, एक स्ट्रोक में इतने सारे काम। हाँ ये रहस्य है, ये विज्ञान है योग का, और दुनिया में कोई एक्सरसाइज आपके पेट को अंदर से ठीक नहीं कर सकती। ये आपकी आंतों से मल हटाती है, जो रिफाइंड खा रहे हैं हम वो सब साफ करती है, जो मैदा खा रहे हैं उसे साफ करती है, आंतों की छलनी ठीक करती है, किडनी को ठीक करती है, आमाशय को ठीक करती है, एक्सक्रेटरी बाउल को ठीक करती है। आपका शरीर अच्छी तरह सफाई करता है, अंदर से साफ होता है, अंदर से सर्विसिंग होती है, अंदर से मजबूती आती है। इतने काम, जी हाँ, और मुफ्त में। सुबह सुबह उठ के सांस फूंकनी है आपको, बस तेज सांस फूंकनी है, पेट पे हाथ लगा के फूको, कितना पेट आज दब रहा है, कल इसको इससे आधा इंच और बढ़ाना है। सांस फेंको बाहर, झटके से सांस बाहर, जल्दी। कुछ लोगों को लेट लग सकता है, 7:07 हो गए, 10 मिनट और लेंगे। जिनको जल्दी है वो कपाल भाती को रोक कर फिर जा सकते, पर जिनके पास 10 मिनट है रुके रहना, ऐसे करते जाओ करते जाओ। हाँ बहुत बढ़िया रेखा वैन, बहुत अच्छे, अभी ठीक है, ठीक है, आप दिखाई दे रहे थे, कैमरा ठीक था आपका। चलो जी गजानन जी लगाओ पेट पे हाथ, अपने अपने पेट पे हाथ लगाओ, पेट का ही तो सवाल है, इसी के लिए तो भागे फिरते हैं, इसी को तो ठीक करें जी। सत्य महेश जी मुस्कुराहट, फिर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, ये 24 आवर्स एपिसोड है, मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। रेखा वैन मुस्कुरा दो जी, बहुत सुंदर। यस ईश्वर जी ने पेट पे हाथ लगा लिया, पापी पेट का सवाल है जी, अवहले जी ने भी लगाया, देखो कितना झुक रहा है। अवहले जी हंस दो, मुस्कुरा दो, बाबू जी आप अच्छा कर रहे हो जी, बहुत अच्छे। पेट पर हाथ लगाकर देखो पेट कितना दब रहा है, नीचे से एनल मसल को खींचो, यानी एनल मसल को इंटेंशनली ऊपर की तरफ खींचना, ऐसे ऐसे नीचे से वो सिकुड़े, यहां से पेट ऊपर पीछे की तरफ जाए, एनल मसल खींचकर ऊपर आए, सांस बाहर जाए। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप अपने व्यक्तित्व पर, आप अपनी पर्सनैलिटी पर, बहुत अच्छे। अब हाथ हटा सकते हो पेट से, कल फिर हाथ लगाकर देखेंगे। सृष्टि अपने साथ वाली बच्चियों को और जोड़ो बेटा, उनको लिंक भेज देना आज, उनको कहो अपने को ठीक करने के लिए आगे बढ़ो। अभी योग आसन में गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बना दी, जैसे दूसरे खेल होते हैं वैसे योगासन के टूर्नामेंट होते हैं, और इस साल नेशनल हो रहा है, अभी स्टेट हुए हैं, और जो बच्चे नेशनल जीतेंगे उनको नौकरियां मिलेंगी और उनको बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे, वो इंटरनेशनल में जाएंगे, ओलंपियाड में जाएंगे, ओलंपिक्स में पहुंचेंगे, इतने सारे इनोवेशंस योग में हो रहे हैं, तो बच्चे भी खूब जुड़े।
अब जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वैसे ही योग में, योग में आगे बहुत बढ़िया सृष्टि, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, करते जाओ, सीधे बैठ के करें। और चलिए आज कपालभाति विश्राम करेंगे, यही रिलैक्स, हमारा पेट आज कुछ नरम बना, हमने आज, आप देखो टटोल के देखो, कुछ नरम हुआ है, जरूर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। यहां से जो अपशिष्ट पड़ा था, बाय द वे, अंदर कुछ सफाई नहीं हुई तो वो सफाई होनी शुरू हो जाती है। अब यहां से जाने के बाद जब आप सत्र के बाद जाओगे तो हल्का गुनगुना पानी, ल्यूक वॉर्म वॉटर आपको लेना है, सिप कर करके छोटे छोटे घूंट। चाय कॉफी को अभी थोड़ी देर बचना, अगर लेते हो तो उसको थोड़ी देर के लिए ले जाना। और जाते ही नहाना बिल्कुल नहीं है, जाते ही नहाना नहीं है, कोशिश करो नहाने के बाद अभ्यास में बैठो तो इसका लाभ दोगुना हो जाता है। पर अगर नहा के नहीं बैठ पाए तो भी आपको जाते ही नहीं नहाना, जो ऊर्जा शरीर में अभी गर्मी पैदा हुई है ठंडे पानी को डालने से वो आपको नुकसान हो सकता है, वो लाभ उतना नहीं होगा। तो 40 मिनट का टाइम आप अगर दे दें योगाभ्यास खत्म करने के बाद, 40 मिनट तक आप कुछ हल्का फुल्का पी सकते हो, गरम गरम पी सकते हो, पर नहाने को थोड़ा अवॉइड किया जाए। जिनको इमीडिएट नहाना होता है, इसके बाद ऑफिस जाना है या काम करना है, वो कृपया सुबह 10 मिनट पहले जगकर नहा लें, ताकि आपको ये ऊर्जाएं बनी रहे, आपको फिर एकदम से नहीं नहाना पड़े। ये विज्ञान है, आप गर्म शरीर पर जाते ही ठंडा जल डालोगे वो आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, आपकी ऊर्जाएं डाउन हो जाएंगी। तो आपको नहाने से बस थोड़ा परहेज करना है अभी, बाकी ठीक है। तो कपालभाति किया हमने, अब कपालभाति के बाद, इसके बाद सत्र हम कल आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें कल। तो एक तो छुट्टी नहीं मारनी, एक एक दान कर दो, एक दान ये कर दो, ये गुरु दक्षिणा दे दो। हालांकि मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, बहनों का भाई हूं, भाइयों का भाई हूं, ठीक है, हम सब एक जैसे ही हैं। और पर एक दक्षिणा अगर आपको देनी है सचिन जी को, तो वो ये दे दो कि ये वाला लिंक 10 लोगों को आगे भेज दो, ताकि वो 10 लोग इसे देखकर अपने जीवन को सुखी और सफल बना सके। जो लाभ आप ले रहे हो इसके प्रसाद को आगे बांट दो, जितने भी कॉन्टेक्ट में लोग हैं उनको आप भेज दो, और जो बीमार है उनको तो जरूर भेजो। तो आइए अब इस सत्र को यहीं रोकेंगे, मेरे साथ गहरा श्वास भरें और 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओ फिर गहरा श्वास भरें, ओ फिर गहरा श्वास, और शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे बोल सकते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, बोले सब, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, रिपीट करें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग् भवेत्, सब सुखी हो, इसका अर्थ होता है सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ऐसी मनोस्थिति और भावना को वातावरण में संप्रेषित करते हुए, फैलाते हुए गहरा श्वास भरें। ओम शांति ही शांति ही शांति,
शांति की कामना करें और धरती माँ को प्रणाम, आप सबको प्रणाम, आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। दोनों हाथ रगड़ें, ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको ये अवसर दिया। सचिन जी को धन्यवाद दें जिन्होंने आप तक ये गंगा की धारा पहुंचाई, जिसमें हम सब एक साथ बैठकर अपने जीवन पर अच्छा काम करते हुए जीवन को विकसित कर रहे हैं, स्वयं के व्यक्तित्व में निर्माण और विकास कर रहे हैं। इसके लिए सचिन जी आपका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। और ये गर्म हाथ आंखों पर लगाए और धीरे से टिमटिमाते हुए आंखें खोल दी। जो लोग बैठे दिखाई दिए उनको नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आज आपका 15 मिनट का समय ज्यादा हुआ, 10 मिनट का समय रोज ज्यादा हो सकता है। कल फिर मिलेंगे। अष्टांग योग को कल थोड़ा सा पढ़ के आओगे, गूगल करना व्हाट इज अष्टांग योगा, हिंदी में पढ़े, मराठी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े। उसके आज मैंने सिर्फ 4 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन हमने आज थोड़े किए, प्राणायाम भी हमने थोड़ा किया। लास्ट में जो 2 काम किए थे हमने सांस वाले, वो प्राणायाम था। उससे पहले खड़े होके जो कुछ किया था वो आसन था। उससे पहले 2 हमने आज नहीं किए, वो हमें सिर्फ पढ़ने और समझने के हैं। तो कल आपको मैं पूछूंगा यम क्या है, नियम क्या है, और फिर आसनों पर और प्राणायाम पर बात करते हुए हम अगले 4 चरणों की तरफ, योग के 8 अंगों की तरफ अगले 2 दिनों में प्रस्थान करेंगे। तो आज हमने 4 अंगों को समझा, 2 का अभ्यास किया। कल हम फिर 4 को समझेंगे, 2 पर या 3 पर अभ्यास करेंगे। फिर तीसरे दिन हम बाकियों पर अभ्यास करेंगे और ये अष्टांग योग हमारे जीवन में कैसे लाभ दे सकता है उसका परिचय समझकर फिर 3 दिन बाद हम इसमें रेगुलर होते जाएंगे, ताकि जीवन को मजबूत बना लें। मैं ऐसे ऐसे उदाहरणों से गुजरा हूं। पिछले 3 दिन में दिवाली पर मैं अपने गांव गया था, एक बच्चे ने 5 महीने में 48 किलो वजन कम किया है। 48 किलो, कितना अचंभा है। और वो 4:15 बजे नहा धोकर और फिर योगाभ्यास शुरू कर देता है, 7 बजे तक योगाभ्यास करता है। ऐसी ललक उसमें है कि 5 महीने में 3 घंटे योगाभ्यास लगातार करता है और 48 किलो वजन कम किया। ऐसा महान व्यक्तित्व, मतलब ऐसा महान कार्य एक साधारण व्यक्ति कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। जीवन में जिस समस्या से भी ग्रस्त हो, शरीर में जो प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, बीमारी हो, ठीक हो सकती है योगाभ्यास और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। तो आप इनको अपनाओ और आगे बढ़ो। आज इस संदेश को दूर तक पहुंचाएंगे, आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और एक फोन नंबर आपको मैं दे रहा हूं, इस पर आप अपनी समस्या लिखकर भेज देंगे। आप अपना उद्देश्य लिखकर भेज देंगे ताकि कैसे ये यहां आप इस पर आप अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। और सचिन जी आप अपना नंबर भी प्लीज डाल दें ताकि सबको, सचिन जी का नंबर आप सबके पास का लिंक पहुंचा है तो मिल गया होगा, नहीं है तो आप ले सकते हैं। नंबर फिर से दे दें। हाँ, नंबर मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। ओके। और सचिन जी का, मेरा दोनों का नंबर वहां है, आप दोनों में से किसी पर भी आप अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं, या आप अपनी परेशानी और कैसे आप अपनी उस परेशानी को इंडिविजुअली करेक्ट कर सकते हो उसके लिए आपको सलाह आ जाएगी। आज सिर्फ व्हाट्सएप ही करें, आवश्यक हो तो लिखकर भेज दें कॉल के लिए, क्योंकि कॉल उस समय पर शायद आपको मिले, अवेलेबिलिटी ना मिले। पर अगर आप लिखकर भेज देंगे, कॉल की भी जरूरत है तो बात की जा सकती है, उपयुक्त समय पर आप लिख के अपनी सूचना भेज सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्र को यही विराम देते हैं। किसी को कुछ कहना हो तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अन्यथा आप भी प्रस्थान कर सकते हैं अपने अपने कार्यों के लिए। जी सचिन जी, आपके हवाले। सर, मेरा नाम वर्षा देशपांडे है। जी वर्षा जी,
जी वर्षा जी कुछ कहना चाहते हैं? आपका कोई कोर्स है क्या? हाँ मैडम करते रहते हैं। यस यस मैडम, सर डिजिटल मार्केटिंग के कोच हैं और योगा कोच भी हैं। सर योगा एक्सपर्ट है, कई संस्थान से जुड़े हैं। आप थोड़ा सा शायद लेट आपने ज्वाइन किया, हमने सुबह के सेशन में ही बताया था जब सर का परिचय हमने दिया। सर जो है आर्ट ऑफ लिविंग पतंजलि योग पीठ, मैं औरंगाबाद से हूँ, अगर मुझे ज्वाइन करना है तो कहाँ करना है? मैडम ऑनलाइन ही चलेगा, ऑनलाइन ही चलेगा। आपको कोर्स की जानकारी कल देंगे, ठीक है? कल देंगे। आप थोड़ा सा सर को जो नंबर दिया है चैट बॉक्स, सर ने जो चैट बॉक्स में नंबर दिया है उस पे आप मैसेज भेजें कि मैं औरंगाबाद से हूँ और मैं ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो कल के कोर्स में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी और व्हाट्सएप करेंगे तो पर्सनल जानकारी भी देंगे, ठीक है मैडम? सर प्रॉब्लम ये है कि मैं भी योगा क्लास लेती हूँ और मेरा भी 6 बजे क्लास रहता है। बहुत बहुत बढ़िया, थोड़ा मैंने स्टीप है और आपका ज्वाइन किया। अच्छा मैडम, आप हमें नंबर दें, उसके अनुसार हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। चलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी हम आपके साथ जुड़ सकते हैं। आपकी सेवाएं कैसे दूर दुनिया तक पहुंचे, कैसे लोगों का भला हो आपके द्वारा, सचिन जी जरूर सोचेंगे इसके लिए, ठीक है? आप क्लास लेती हूँ सर, निःशुल्क क्लास लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे सचिन जी, एक और हीरे आपको मिल गए हैं। मैम आप अपना नंबर जरूर सचिन जी को फॉरवर्ड करना, वो आपको और ये सेवा आपकी लोगों तक पहुंचे उसके लिए प्रयास करें। यस सर, मैडम नंबर मुझे भेज देना, ठीक है ना? और नंबर भेज दो क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरा नंबर वहाँ पर 9 जो लिंक आया है उसमें ही मेरा नंबर है और चैट बॉक्स में लोकमान सिंह सर का नंबर है। आप हमें मैसेज भेज दे, मैसेज इतने भेजे कि आई एम देशपांडे मैडम, क्या यहाँ आई एम दिनेश देशपांडे, जो भी आपका नाम है आप लिख के भेजे तो उसके अनुसार फिर आगे हम कुछ कार्यक्रम बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा मैडम आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा ले रहे हैं आप। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो सचिन जी आज इस सत्र को यहीं विराम दें और कल 5:55 पर समय से जुड़ना, और कल हम इस पर और चर्चाएं करेंगे, एक एक कदम एक एक सीढ़ी हम रोज उतरते जाएंगे तो आपको लाभ होता जाएगा। आज किसी को रात को कोई तकलीफ हो तो भी आप लिखकर डाल सकते हैं, अगर आपको रात को कोई जोड़ों में दर्द या कहीं कोई महसूस ऐसा हो कि आज योग किया और आज मुझे ये तकलीफ हुई है, ऐसा हो सकता है, घबराना मत। जब जब आप शरीर पर कुछ काम करना शुरू करोगे तो जहां पर टॉक्सिन्स हैं, जहां पर आपका जमावट है वो खुलेगी तो वहां पेन होगा, तो आप लिखकर डाल सकते हैं, उसका जो भी उचित इलाज होगा उसका उचित समाधान होगा वो आपको व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देंगे। यस, नंबर दिए हैं सबको और मेरा भी नंबर वहां पर भी है और इधर बैनर पे भी, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, वैसे चैट बॉक्स में भी है, ठीक है? क्योंकि सर अगर फोन नहीं उठा पाए कुछ होगा तो आप सचिन जी को भी संपर्क कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप कर सकते हो, वो भी इसमें बता सकते हैं, और नहीं तो हम आपको जवाब जरूर आएगा, हम दोनों में से किसी से भी जवाब आए 100%। और आपसे सबसे एक अनुरोध है, कैमरे खोल कर रखो आप जब तक। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो लोग कपालभाति कर रहे थे और जहां गुंजाइश थी मुझे बताने की तो मैं उनको बता पाया, और वो जो चेहरों पर मुस्कुराहट आई जब आपको कोई इंडिविजुअल पूछता है ना कि नलिनी जी आप ऐसे हैं या अवहले जी आप मुस्कराओ, तो कितनी अच्छी फीलिंग आत्मा में आती है, अरे वाह मुझे देखकर बोल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आप सब अपने कैमरे खोल के रखो, चाहे जहां भी हो एक ठीक सी लाइट हो, या तो ओपन में या आपके जो लाइट कमरे में है वो आपके चेहरे पे पड़ती हो, मतलब लाइट पीछे से नहीं आए चेहरे की तरफ से आए, आसन बिठा के ऐसे बैठे कि चेहरा आपका दिखाई दे और पता चले बॉडी जो परफॉर्म कर रही है वो मुझे दिखाई दे, हमें दिखाई दे, तो हम आपको ये देखें ठीक कर रहे कि नहीं तो हम यहाँ कराते जाएंगे, आप वहां ठीक नहीं कर पाए, सीखना नहीं हो सकता। तो जब तक कोई सामने ना बताए कि आप ऐसे करो या यहाँ आपको करेक्शन की जरूरत है, तो वास्तव में हम अच्छी दिशा में बढ़ते। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, पूरा जोशीला हो, जोश भरा दिन बना रहे, मन में जोश और कुछ करने का जज्बा, इसी के लिए 24 घंटे गुजारने के बाद फिर से मिलते हैं कल सुबह 5:55। तब तक के लिए धन्यवाद।